अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं एक बजट कार सीरीज़ का रिव्यू लेके आया हूँ। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में यूज़ गाड़ियों की प्राइस बहुत ज़्यादा जा चुकी है, क्योंकि नई गाड़ियाँ इतनी महंगी हैं तो यूज़ गाड़ियाँ भी उतनी ही महंगी हो चुकी हैं। मेरे पीछे ये जो गाड़ी खड़ी है, ये होंडा सिविक 2004 मॉडल है, फेस लिफ्ट वाला, और ये VTI मॉडल है, ऑटोमेटिक वेरियंट। इस गाड़ी में तीन वेरियंट आते थे, EXI, VTI और VTI ओरियल। जो VTI ओरियल होती थी उसमें और VTI में फ़र्क ये होता था कि उसमें सनरूफ होता था, और ये 1800cc वेरिएंट है। और इस वक्त इस गाड़ी की जो करंट मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 10 से लेके 12 लाख के दरमियान में है। ये वाला जो मेरे पीछे वेरिएंट खड़ा है, इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो 11.5 लाख रुपये है। और 11.5 लाख रुपये के लिहाज से अगर मैं कंपेयर करूँ आज के ज़माने में, नो डाउट ये गाड़ी पुरानी है काफ़ी, लेकिन फिर भी आपको एक प्रॉपर सेडान मिलती है जिसमें आप लगेज रख सकते हैं। खुली गाड़ी है, कंफर्ट वाइज कोई इसमें इशू नहीं है, पावर वाइज कोई इसमें कोई इशू नहीं है। और अब जब आप ये गाड़ी ख़रीदेंगे तो ज़ाहरी बात है ख़रीदते वक्त एक हर चीज़ की एक लाइफ होती है, तो इसको ख़रीदते वक्त आपको कुछ पैसे इसके ऊपर लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ये गाड़ी जो है बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आ जाएगी, काफ़ी देर आपका निकाल जाएगी। तो आज इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे और देखते हैं कि ये गाड़ी जो है वो कैसी है। आई होप ये वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगेगी। ये वाला सिविक का जो मॉडल है, वैसे तो सिविक के सारे वेरिएंट प्यारे आते हैं, सिर्फ 9 जो था वो थोड़ा मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। ये वाला मॉडल जो है वो सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि ये भी गाड़ी बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हुई है। इस गाड़ी की जो शेप थी वो BMW 5 सीरीज से काफ़ी ज़्यादा मिलती थी, जो अर्ली 2000 की BMW थी। और उसके अलावा इस गाड़ी की जो लाइट्स थी फेसलिफ्ट की वो बड़ी प्यारी थी, फ्रंट और बैक लाइट दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी। और ये गाड़ी बेशक सादा हो या मॉडिफाई की हो, दोनों में ही गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। रिव्यू स्टार्ट करूँ, सबसे पहले तो इस गाड़ी की जो नज़र जाती है वो गाड़ी की इसकी लाइट्स पर जाती है। तो फेसलिफ्ट से पहले वाला वेरिएंट था, उसकी लाइट यहाँ से इतना पोर्शन कट में था और यहाँ पे वो उसका पॉइंट आता था, लेकिन बाद में जो फेसलिफ्ट था इसकी लाइट को इन्होंने बड़ा खूबसूरती के साथ एक्सटेंड कर दिया। और सीरियसली बताऊँ, आज भी ये लाइट गाड़ी की बहुत ही मुझे प्यारी लगती है। सामने आपको सिंपल एक क्रोम की स्ट्रिप मिलती है होंडा बैजिंग के साथ, और एक स्लोप आपको यहाँ पर बोनट के साथ नज़र आएगा गाड़ी के जो चलता आता है। नीचे बम्पर में आओ तो आपको फॉग लैम्प के कटआउट मिल जाते हैं, और इसमें आप आफ्टर मार्केट फॉग लैम्प लगा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस गाड़ी की विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसका जो फ्रंट बोनट है ना उसकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये जो बोनट है ना फ्रंट साइड वाला, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी विड्थ है, जो कि बड़ा प्यारा डिज़ाइन था उस वक्त के लिहाज से। आज भी ये गाड़ी सादा हो या मॉडिफाई की हो, आज भी ये गाड़ी रोड के ऊपर उतनी प्यारी लगती है। इसके अलावा इस गाड़ी में 15 इंच के अलॉय व्हील स्टैंडर्ड आते थे VTI वेरिएंट में, EXI में नहीं आते थे, उसमें व्हील कप्स आते हैं, और यही इसके फैक्ट्री फिटेड जो थे वो अलॉय व्हील्स आते थे होंडा बैजिंग के साथ। साइड पे आपको टर्न सिग्नल मिल जाता है, और जो दरवाज़ों की शेप है वो भी बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पर एक आपको स्ट्रिप नज़र आएगी पूरी गाड़ी में, लेकिन ये जो स्ट्रिप है ये वैसे है, इसमें कोई कर्व नहीं है। एक आपको यहाँ पर बस एक स्लोप मिलता है छोटा सा, जो दरवाज़ों के साथ पूरी गाड़ी को कवर करता है और पिछली लाइट तक आता है। और साइड पे भी अगर इस तरफ से मैं आपको दिखाऊं गाड़ी, तो बिल्कुल सिंपल गाड़ी का डिज़ाइन है, और जाहिर बात है उस वक्त इतने ज़्यादा कर्व्स और कट्स नहीं होते थे गाड़ियों में डिज़ाइन में। और इसके अलावा इसके जो दरवाजे हैं ना, इसमें आपको पूरी क्रोम की स्ट्रिप एक मिलती है, पूरे दरवाज़ों को ये कवर करती है और ये यहाँ तक आती है। पिछली साइड पर आ जाऊँ तो आपको इसकी जो लाइट्स हैं ना, इन लाइट्स की शेप मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती थी। मैं छोटा था जब, और उस वक्त ये लाइट जो थी ये ओवल शेप में आती थी ये लाइट दोनों, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वैसे ये ब्रेक लाइट है, और लेकिन जब रात के टाइम आप चलाते हैं तो दोनों लाइट्स चल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, और साथ में आपको टर्न सिग्नल मिल जाता है। ये लाइट्स की शेप बड़ी खूबसूरत थी, सिंपल आपको यहाँ पर एक छोटी सी क्रोम की स्ट्रिप मिलती है होंडा बैजिंग के साथ। और इसके अलावा नीचे इसमें आपको किसी भी किस्म का कोई पॉइंट नहीं मिलता फॉग लैंप्स के लिए, और बस चाबी है उसको आप वहाँ से चाबी लेके, इसकी जो ट्रंक है उसको यहाँ से चाबी से खोल सकते हैं या अंदर से आप खोल सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में जो थी फोर व्हील डिस्क ब्रेक्स आती थी, सिविक का जो वेरिएंट था ये वाला, इसमें फोर व्हील डिस्क ब्रेक भी आती थी, लेकिन जो VTI वेरिएंट है इसमें ABS आती थी, और वो उसकी बैजिंग भी आपको लगी है, लेकिन जो सिंपल EXI आता था उसमें फोर व्हील डिस्क ब्रेक्स आती होती थी। ये इस गाड़ी की चाबी है, और ये आफ्टर मार्केट इन्होंने इसमें मोबिलाइज़र जो है वो इंस्टॉल करवाया हुआ है। अंदर चलते हैं गाड़ी के और देखते हैं गाड़ी का इंटीरियर कैसा है।
सिविक के इस वक्त मैं अंदर आ गया हूँ और इस गाड़ी का जो इंटीरियर है ये टू टोन कलर में आता है और ये वाला जो पोर्शन है आपको ब्लैंक इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें कस्टमर ने आफ्टर मार्केट कोई चीज़ लगवाई थी जो बाद में उसने सेल करने के बाद निकाली। इसमें आराम से आप इसमें एक LCD लगवा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो इंटीरियर वो टू टोन कलर में आता था, ये पोर्शन जो है ये ब्लैंक इसलिए आता है क्योंकि इंटरनेशनल वेरियंट जो आता था उसमें यहाँ पर एयरबैग था और ये मटीरियल जो है यहाँ पर ये सॉफ्ट टच मटीरियल है इस मटीरियल की क्वालिटी। और ये वाला जो ग्लव बॉक्स है इस गाड़ी का ये भी फेयर इनाफ अच्छे साइज़ का है। और इसके अलावा इधर आ जाऊँ सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे स्टोरेज के लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट इस गाड़ी का जो है वो छोटा आता था और वो आर्मरेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस गाड़ी में आर्मरेस्ट आता था और इसी को आप बाद में ऊपर करके अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ऊपर कर लें। इसके अलावा इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का वेरियंट ये लीवर है और इसके साथ आपको यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, बड़े आराम से ये भी खुलता है। स्टीयरिंग में हो तो बिल्कुल सिंपल लाइट ब्राउन कलर का स्टीयरिंग है होंडा बैजिंग के साथ और अंदर जो गाड़ी का जो गेज क्लस्टर है उसकी लाइट्स बहुत ही प्यारी लगती थी, वाइट कलर में होती थी। मैं अभी आपको गाड़ी ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखें। तो ये गाड़ी जो है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। इस तरफ आपको RPM मीटर के साथ पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और उसका पॉइंट भी यहीं पर मिल जाता है और यहाँ पर जो है आपको पूरी इसकी वो जो स्पीडोमीटर और इस तरफ टेम्परेचर और फ्यूल की गेज। और इस तरफ मैं आ जाऊँ स्टीयरिंग के यहाँ पे तो आपको इस तरफ जो है वो मिरर कंट्रोल वो मिल जाते हैं और लाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे आ जाऊँ ड्राइवर साइड वाली पे तो आपको यहाँ पे पावर विंडो के स्विचेस और ये है आपका पावर लॉक, इसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा दरवाज़ों में आपको कटआउट मिल जाते हैं स्टोरेज के लिए और इसके ऊपर ये पैटर्न आता है फैब्रिक का और इसी फैब्रिक के कलर में ही इस गाड़ी की सीट्स आती थी। बाद में लोगों ने आफ्टर मार्केट भी लगवा ली लेकिन यही पैटर्न है इसकी सीट्स में, जो ओरिजिनल आती थी हमें यही आता था। फ्रंट सीट पे मैं सिविक के इस वक्त बैठा हूँ और मैं बड़ा कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, मैं बड़े आराम से बैठा हुआ हूँ और कंफर्टेबली बैठा हूँ। सीट की जो कुशनिंग है वो बहुत सॉफ्ट है और आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। इसमें लंबी जर्नी भी करें तो गाड़ी का कैबिन भी खुला है, आपको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। होंडा सिविक में मैं नीरूम की बात करूँ ना, इसमें तो ये सीट मैंने कुछ काफ़ी पीछे की हुई है और फिर भी नीरूम जो है वो बस चंद इंच का भाई था क्योंकि सीट भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको पीछे किया हुआ। इसमें नीरूम का ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको यहाँ पे पॉकेट मिल जाती हैं और इसके अलावा इसका फ्लोर भी तकरीबन फ्लैट है, इसमें कोई चीज़ नहीं आती। यहाँ पे आपको छोटा सा स्टोरेज का पोर्शन जो है वो मिल जाता है, एस्ट्रे है। और इसके अलावा गाड़ी का जो फ्लोर है वो तकरीबन फ्लैट है और मतलब अगर आप इसमें तीन बंदे भी बिठाएं तो आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। होंडा सिविक में अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ ना तो इसका बूट की ओपनिंग भी ठीक है और काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे वो शेल्फ नहीं लगा हुआ, आपको स्पेयर व्हील वो मिल जाता है। इसके अलावा गाड़ी का जो बूट है वो काफ़ी बड़ा है, वैसे ओपनिंग इसकी इतनी आप साइड से देखें तो आपको इतना बड़ा नहीं लगेगा लेकिन वैसे इस गाड़ी का जो बूट है ना अंदर से वो काफ़ी खुला है, आप इसमें अपना काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो आराम से लेके जा सकते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी वाइज बाइक करूँ तो इस गाड़ी में फोर व्हील डिस्क ब्रेक्स आती हैं जो उस वक्त के ज़माने में इतनी ज़्यादा नहीं थी, मीन्स के चारों टायर में जो ब्रेक्स हैं वो डिस्क आती हैं और उसके साथ इसमें ABS भी लगा हुआ था। और उस वक्त जो गाड़ियाँ थी तो फ्रंट में डिस्क होती थी और पीछे ड्रम होती थी, उस वक्त के लिहाज से काफ़ी अच्छी चीज़ थी। इस गाड़ी में एयर बैग्स जो हैं वो नहीं आते। होंडा सिविक VTI में अगर मैं इंजन की बात करूँ तो ये 1800 CC इंजन के साथ आती थी और इस गाड़ी की आपको शहर में ये आपको बड़े आराम से 10 का एवरेज दे देती थी और हाईवे पे बड़े आराम से ये गाड़ी जो है आपको 13-14 का एवरेज ये इजीली देती थी। बाकी आपके पैडल पे भी डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हो और उसी लिहाज से गाड़ी के अगर आप ज़्यादा हार्ड चलाओगे तो फ्यूल एवरेज पर भी फ़र्क पड़ेगा, अगर लाइट फुट रखेंगे तो इसकी फ्यूल एवरेज भी अच्छी आ सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हों उसका अलर्ट आपको मिल जाए। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों पेजेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।